आज काशीराम साहब के आंदोलनों को कहां तक देखते हैं कि मजबूत हो रहा है या टूट रहा है? दरअसल में ये इस विषय में हम ये कहेंगे कि मानवर कांशीराम जी का जो आंदोलन है वो आंदोलन के तीन महत्वपूर्ण जो आयाम में ये समझता हूँ उसमें था। सबसे पहले था कल्चरल रिवोल्ट, यानी जो इस देश में जो जिसको संस्कृति लोग कहते हैं, मैं तो उसको कहता हूँ कि ये जो बुद्ध की जो विचारधारा थी, जो सिंधु सभ्यता थी, उसका विकृतिकरण है। जैसे लोग आज बार बार संस्कृति की उपमा या शब्दों से उसको विभूषित करते हैं, वो संस्कृति नहीं, मैं तो ये कहूँ वो सभ्यता का विकृतिकरण है। तो अब जो इस दिशा में मानवर कांशीराम साहब ने अपने 1964 से लेकर के 84 तक का जो सफ़र तय किया था वो कल्चरल रिवोल्ट का ही किया था। उन्होंने प्रेरणा गैल आम्बेडकर की पुस्तक से, जो उन्होंने गैल आम्बेडकर की पुस्तक का नाम जो था, उन्होंने एक थीसिस लिखी थी कि कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक विद्रोह। तो वो जो हुए थे स्वतंत्रता के पहले, उसको मानकर के मानवर साहब ने सोचा कि जब तक मनुवासी अपने बहुजन समाज के लोगों का दिमाग नहीं हटाएंगे तो स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, और स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा तो ये नहीं समझ पाएंगे कि लोकतंत्र का अवधारणा क्या है, लोकतंत्र में वोट की वैल्यू क्या है। तो उस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने 20 वर्ष जो कल्चरल रिवोल्ट किया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पॉलिटिकल सत्ता भी हासिल की। लेकिन अभी भी मैं ये समझ रहा हूँ कि वर्तमान में जिस तरह से शिक्षा देनी चाहिए थी इतिहास की, वो सबसे अच्छा सशक्त सर्व दृश्य माध्यम यानी फिल्म जगत। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिनेमा जो है ना समाज का दर्पण है। लोक साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन असली दर्पण जिसमें साफ तस्वीर दिखाई देती है वो सिनेमा ही है। सिनेमा ही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सिनेमा का जो एक आज जो लॉन्च हुआ है सिनेमा का प्लेटफॉर्म, जिसे बहुजन बोर्ड कहते हैं, ये श्री अर्जुन सिंह ने जो अपनी मानसिक प्रबलता दिखाई है लॉन्च करने में, मैं बधाई के पात्र हैं। आज ये खुशी का दिन है, आने वाले समय में ये जो तीसरा आयाम था कि पॉलिटिकल पावर तो, और जो है ना साहित्य सृजन भी हो रहे हैं, खूब प्रेस भी है, कई प्रकाशन है, लेकिन ये दूसरा ये तीसरा जो है इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुजन बोर्ड है, और बहुजन बोर्ड आने वाले समय में मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन को बढ़ाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपने जहाँ तक प्रश्न किया है कि टूट रहा है, वो देखिए तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हमारे लोग, तुलनात्मक अध्ययन है कि ये जो इस मानो बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी की गति बढ़ गई है, उसकी गति बढ़ी है, ये मूवमेंट की गति कम नहीं हुई बल्कि उसकी गति की अपेक्षा धीमी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी गति धीमी नहीं हुई, और उसके विरोधी की गति जो जो है ना बहुजन संस्कृति जिसको कहते हैं, अब संस्कृति चूंकि उस प्रचलन में शब्द संस्कृति कहेंगे, तो उससे उसके खिलाफ आप सांस्कृतिक परिवर्तन फिल्मों के माध्यम से उनको कितने जो है ना फिल्मों के माध्यम से अपनी पूरी इतिहास को रखते हैं, हमारे लोग फिल्मों के माध्यम से जो करते भी हैं काम उनको भी प्रोत्साहित नहीं करते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।